तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज 1 जून है, आज से ही केंद्र सरकार के अनलॉक 1 के गाइडलाइंस लागू हो रहे हैं और आज से देश में कई नए नियम और योजनाएं भी लागू हो रहे हैं। और अनलॉक 1 में आज फिर से रेल सेवा की बहाली की शुरुआत हो रही है। तो आज 1 जून है, पटरी पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें, तो ट्रेनें दौड़ने लगेंगी और अप डाउन मिलाकर कुल लिए जो 200 ट्रेनें हैं ये दौड़ेंगी, तो अप और डाउन मिलाकर ये कुल 200 ट्रेनें हो जाएंगी। बिना रिजर्वेशन के यात्रा पर पाबंदी होगी, यानी कि रिजर्वेशन है, कंफर्म टिकट है तो आप यात्रा कर पाएंगे, अदरवाइज आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। जनरल कोच के लिए भी रिजर्वेशन जरूरी है। खास बात है कि एसी कोचेस के साथ इस बार जनरल कोच भी इसमें है। और आज से यूपी में रोडवेज बसें भी चलने लगेंगी, ये भी अंतर जनपदीय बसें ये चलेंगी, रोडवेज की बसें। सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन इसमें पालन किया जाएगा। क्या क्या खुलने वाला है, क्या कुछ चलने वाला है, अनलॉक क्या क्या हुआ वो आप समझ लीजिए। देखिए, सिर्फ 50% यात्री ही एक बस में सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि बस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। 60 सीटर बस में सिर्फ 30 यात्री ही सफ़र करेंगे, यानी कि अगर 60 सीटों वाली बस है तो उसमें आधी, बिल्कुल 50% लोग ही यात्रा कर पाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू होगी, एक देश एक राशन कार्ड। 20 राज्यों में ये नई राशन कार्ड की स्कीम लागू होगी और किसी भी राज्य से वन नेशन वन राशन कार्ड इसे राशन कार्ड धारक ले सकते हैं, राशन लिया जा सकता है एक कार्ड से, चाहे वो आपका आप किसी भी प्रदेश के रहने वाले हों, ये कार्ड आपके पास है तो आप किस देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकते हैं। गरीब तबके को सस्ते दाम पर इससे अनाज उपलब्ध हो पाएगा देश के किसी भी हिस्से में, ये एक बड़ी व्यवस्था है। आज से घरेलू गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं, 1 जून से क्या क्या बदल रहा है समझ लीजिए आप। लॉकडाउन के चलते कीमतें घटा दी गई थी ताकि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन अब फिर से वही कीमतें पहले जैसी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। हर महीने की पहली तारीख को दाम जो कीमतें हैं वो तय होती हैं। और आयकर को लेकर भी बड़ा बदलाव हो रहा है, आयकर को लेकर भी कुछ अहम बदलाव हो रहे हैं। और आज से देश में नया 26AS फॉर्म प्रभावी होगा, नया 26AS फॉर्म प्रभावी होगा। और ITI के लिए आपको जरूरी दस्तावेज अब जो है ये देना होगा। यूपी NNIT की ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू होंगी आज से। इसके साथ साथ बहुत कुछ और बदलने वाला है। 8 जून से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, अभी 8 तारीख से शुरुआत होगी, लेकिन अनलॉक 1 के दायरे में ही है, अनलॉक 1 में ये सारी छूट मिलने वाली है। 19 जून के बाद से परीक्षा का ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू होगा, ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक रिजल्ट भी आ सकता है। 30 जून तक परीक्षा के परिणाम घोषित भी हो सकते हैं, यानी कि महीने के अंत तक रिजल्ट भी आ सकता है।